स्टील कोर बुलेट जो कि बुलेट प्रूफ आर्मर से रिप्लेस कर सकती है, तो हाउ यू सी दिस? इस तरह की जो अम्यूनिशन है उसका वैली में इस्तेमाल काफ़ी इंसिडेंट्स में कॉमन है, और इस एरिया में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। डांगरी वाले इंसिडेंट में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। तो मुझे लगता है कि ये जो टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, दे कम बेटर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अटैक्स, और दे वांट टू मेक श्योर कि अगर छोटा मोटा मोर्चाबंदी भी कहीं हो तो उसके बावजूद भी उनका जो फायर है वो कारगर हो। तो मुझे लगता है उसी स्ट्रेटजी। सर, हर बार लोकल सपोर्ट की बात आती है, लोकल सपोर्ट होती है, तो कितना सतर्क रहना चाहिए? देखिए, लोकल सपोर्ट के बगैर इस तरह की कार्रवाई जो है उसको अंजाम नहीं दिया जा सकता है। अभी भी इस में जो हमने पकड़ा एक मॉड्यूल पूरा जो इन्वॉल्व है, जो इनको पिछले 2-3 महीने से मुकम्मल सपोर्ट दे रहा है, निसार और उसका फैमिली, जो परिवार के लोग जो राशन पानी हर तरह की सुविधा इनके लिए फराहम कर रहे थे, इनको प्रोवाइड कर रहे थे, इनका जो पाकिस्तान से सामान ड्रोन के जरिए से आया था वो भी उठा के लाया और इनको मुहैया किया गया और इनको दिया गया, उसमें कैश भी शामिल था, उसमें असला और अम्यूनिशन भी शामिल था, बाकी चीज़ें भी इनकी जरूरत की शामिल थी, ग्रेनेड भी शामिल थे। तो ऐसी जो लोकल सपोर्ट है उसकी निशानदेही हम लोग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी सख्ती से डील किया जाएगा। ज़्यादातर ये ऐसी जगह चुनते हैं जो जंगल के करीब होती हैं और जहाँ पर इनको सपोर्ट भी मिलती रहे और इनको स्केप करके जंगल में जा कर के वहाँ पर रहने की हाइड आउट्स का मौका भी मिल जाए। ज़्यादातर ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर नेचुरल हाइड आउट्स अवेलेबल हैं। उसी ऑपरेशन के तहत हम लोग कार्रवाई के तहत ही जगह देख रहे हैं ताकि जहाँ जहाँ भी नेचुरल हाइड आउट हो उनकी हम निशानदेही करें और इनके आने वाले टाइम के जो जहाँ पर ये रहने की जगह है उनको निशानदेही। सर, ड्रोन की तरफ से कहा कि आपने ड्रोन यूज़ करके ड्रॉपिंग की गई, किस तरफ जो है ड्रॉपिंग की गई थी? क्या जम्मू में ड्रॉपिंग की गई थी, यहाँ पर असला आया या फिर इसी एरिया में ड्रॉपिंग हुई थी? उस एरिया का अभी हम लोग पूरा अभी जायजा ले रहे हैं, मौके पर ले जाके देखेंगे इनको कि कहाँ पर सामान आया था, मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहां इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अम्यूनिशन राशन पानी और बाकी चीज़ें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निसार लंबे सामान आया था, मगर काफ़ी वारदातें ड्रोन की रजौरी और पुंछ के एरिया में हो चुकी हैं जिसमें इनकी सप्लाई जो है पाकिस्तान से सीधी आती है। तो आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की एजेंसीज का हाथ कैसे है, तो जब इनकी हर सप्लाई ड्रोन के जरिए इन तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है, लोकल सपोर्ट जहाँ इनको मजबूरी है वो लोकल सपोर्ट लेते हैं, मगर बहुत सारा सामान इनका पार से असला अम्यूनिशन राशन पानी और बाकी चीज़ें पैसे कैश पार से ड्रोन के जरिए भी इन तक पहुँचाया जा रहा है। तो पाकिस्तान की एजेंसी जिसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हैं और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उनका हमारे पास डाटा है काफ़ी हद तक, उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। निसार लंबे अरसे से पहले दहशतगर्द रहा है, 90s में ये कोई जहाँ पर पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर यहाँ लश्कर का काम करता था, उस वक्त भी उसके OGW का काम करता था, ये पहले से भी हमारी नज़र के नीचे था, इसको पुलिस उठा के 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है, हमारे जो सस्पेक्ट्स की लिस्ट में पहले भी मौजूद था, इस बार भी इसके ऊपर शक था, इसको उठाया गया और कुछ कॉरोबरेटिंग एविडेंस मिला जिसकी बुनियाद पर इसकी पूछताछ हुई और पूछताछ की बुनियाद पर ये माना गया कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व है और इसके फैमिली के बाकी लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्या कुछ और भी लोकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? और भी इन्वॉल्वमेंट का हमें शक है क्योंकि इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से जगह हुई है वो कैमरा पीछे अभी हम देख रहे हैं क्योंकि इनको रखा कहीं और गया यार, ये देखना और अटैक किसी और जगह से जाके किया, मैं पीछे करता हूं आप लोगों नहीं चेक, कोई और मॉड्यूल जो इनकी मदद कर रहा था या इसी मॉड्यूल के तहत हुआ अपने लोगों को रखो अपने मेरे से बड़ी कामयाबी मानते हैं सर, ये जो मॉड्यूल बस।
अभी ये जांच के दायरे में सब चीजें हैं, जो चीज सामने आएगी उसके बारे में। सर कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं जो मॉड्यूल बस हुआ? देखिए कामयाबी तो तफ्तीश के हिसाब से देखते हैं तो अच्छी कामयाबी है। हमें बिल्कुल जो केस को एक प्रोडक्शन मिली है कि केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ये लोग आए, कैसे ये लोग रहे, कैसे इनकी मदद हुई, कैसे टेरर अटैक प्लान हुआ, कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज हुए, उन सब चीज़ों में केस की अगर इससे देखें तो काफ़ी बड़ी कामयाबी है। मगर अगर जब तक उनको न्यूट्रलाइज नहीं कर देते जो उस अटैक में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि ये कामयाबी क्या उस पर कुछ लॉन्चिंग पैड एक्टिव है अभी? ऑब्वियसली लॉन्चिंग पैड एक्टिव है तो तभी ग्रुप इस तरफ आते हैं, उस तरह की कार्रवाई करते हैं।